हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास फाइव ईवीएस का चैप्टर ट्वेंटी वन लाइक फादर लाइक डॉटर तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए तो चैप्टर ट्वेंटी है लाइक फादर लाइक डॉटर तो पहले हम थोड़ा इसका समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का ठीक है we usually have characters and habits like those of our parents तो so, हमारे parents जो होते हैं ना उन हम लोगों में क्या होता है कि ज़्यादातर जो हमारे parents के characters and habits होते हैं तो वो हम लोगों के अंदर आते हैं we all have cousins uncles aunts and grandparents they are our relatives तो so, हम लोगों के relatives होते हैं कौन कौन cousins uncles aunts grandparents ये सारे वी समटाइम्स हैव सिमिलटीज़ विथ समिस्टेंस रिलेटिव इन आवर फैमिली ट्वींस आर चिल्ड्रेन दैट लुक एग्जैक्टली आई लाइक एंड आर बॉर्न ऑन द सेम डे फ्राम द सेम मदर तो ट्वींस क्या होते हैं ट्वींस एक तरह बच्चे हुए ठीक है जो कि बिल्कुल ही दो होते हैं और लेकिन सेम लगते हैं और एक ही समय में मतलब एक ही दिन सेम डे उनका जन्म होता है ठीक है सम ट्विंस डू नॉट रिसम्बल इच अदर तो कुछ ट्विंस जो है ना एक दूसरे से नहीं मिलते हैं सम पीपल एडॉप्ट अ चाइल्ड एंड एडोप्टेड चाइल्ड इज नॉट बॉर्न फ्रॉम द पेरेंट्स हु ब्रिंग अप द चाइल्ड ठीक है तो जो कुछ लोग होते हैं जो कि बच्चों को अडोप्ट करते हैं बच्चे अडोप्ट करते हैं ठीक है और उसे वो अपने घर में रखते हैं ठीक है लेकिन वो उन्हें जन्म नहीं देते चिल्ड्रेन प्राउड अप इन डिफरेंट इन्वायरमेंट आर डिफरेंट फ्राम इच अदर इन देयर बिहेवियर ठीक है बच्चों का बिहेवियर जो है होता है ना वो अलग अलग होता है तरह तरह के पोलियो इज अ डिजीज़ दैट एफेक्ट्स द लेग्स क्या होता है पोलियो एक डिजीज़ है जो कि लेग्स को अफेक्ट करता है इट इज़ काउज बाई अ वायरस एंड इज नोट हीटरी ये क्या होता है ये कारण होता है वायरस का वायरस की वजह से होता है ठीक है पल्स पोलियो इज अ प्रोग्राम दैट वर्क्स टूवर्ड्स द एजुकेशन इराडिकेशन ऑफ पोलियो मैंडल कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हियरडिटी एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स सम हैबिट्स वी गेट फ्राम आवर फैमिली सम स्किल्स वी पिक अप फ्राम आवर इन्वायरमेंट देर आर समाइम्स बिकॉज ऑफ समनेस और ओल्डनेस ठीक है इसके बाद आंसर दीज क्वेश्चन हुज हैबिट्स एंड करेक्टर्स डू वी टेक वी यूजअली हैव कैरेक्टर्स एंड हैबिट्स लाइक दोज ऑफ आवर पेरेंट्स किसका लेते हैं अपने पेरेंट्स का डू यू हैव समलरिटीज़ विद समिस्टेंट रिलेटिव गिव एन एग्जाम्पल ठीक है तो कुछ ऐसा सिमिलरिटीज़ है जो कि आपके रिलेटिव से मिलता है तो कुछ एग्जाम्पल दीजिए ठीक है यह आपको खुद लिखना है हु आर आइडेंटिकल ट्वींस आइडेंटिकल ट्वींस कौन है तो टू पीपल हु आर बॉर्न टूगेदर टू द सेम मदर एंड लुक अलाइक ठीक है जो कि सेम मदर से बॉर्न होता है जिसका ठीक है बिल्कुल ही एक जैसे लगते हैं ठीक है तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स हु इज़ एन अडॉप्टेड चाइल्ड एन एडोप्टेड चाइल्ड इज़ नॉट बॉर्न फ्रॉम द पेरेंट्स हु ब्रिंग्स ठीक है जो कि uh, माँ जिन्हें जन्म नहीं देती लेकिन वो उन्हें लाती है ठीक है वाई डज एन एडोप्टेड चाइल्ड नॉट रिसेम्बल द पेरेंट्स हु ब्रिंग हिम अप बिकॉज दे आर नोट जैनटिकली सेम एज देअर पेरेंट्स राइट टू कैरेक्टरिस्टिक यू हैव ऑल्सो राइट इफ़ दे आर लाइक योर फादर और मदर ठीक है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक यू हैव जो आप में है ठीक है ऑल्सो राइट इफ़ दे आर लाइक योर फादर और मदर ठीक है कौन सा है जैसे कि uh, कोई भी होता है कैरेक्टर होता है जो आप में है ठीक है आपके uh, माता पिता से आप में आया है तो वो क्या है वो आप लिखेंगे विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज पोलियो इफेक्ट इज दिस डिजीज हैरीडियट्री पोलियो इज अ डिजीज दैट इफेक्ट द लेग्स इट इज़ नॉट हैरीडियट्री वॉट इज पल्स पोलियो पल्स पोलियो इज अ प्रोग्राम दैट वर्क्स टू द इराडिकेशन ऑफ पोलियो ठीक है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर एज रिलेटेड और एक्वायर्ड ड्यू टू ओल्ड एज ठीक है अब इसमें क्या है ट्राइडनेस ट्राइडनेस एंड विक आईसाइट ठीक है विल टू सिस्टर्स ब्राउट अप इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स बिहेव इन अ सिमिलर वे नो इफ द इन्वायरमेंटल Condition is totally different than the behavior will be different. Name two characteristic that a person can inherit it. In, inherit hair color and eye colour. What all factors contribute in making our identity? All factors are society, family, loved, wants. Uh, एथनिसिटी, रेस कल्चर जोग्राफी अपॉर्चुनिटी, मीडिया इंटरस इंटरेस्ट एपरेंस सेल्फ एक्सप्रेशन एंड लाइफ एक्सपेरियंस ठीक है इन द ब्लैंक्स द कलर ऑफ योर आइज इज इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स An adopted child does not resemble the people who bring him up. Identical twins look exactly alike. Children brought up in the same environment behave in a similar way. Legs are affected when a person suffers from polio. Mendel explained the heredity of char uh, characters

ठीक है अंकल हैं आंटी हैं आपके फादर हैं तो वो लिखना है ठीक है हु इज़ द शॉर्टेस्ट कौन है हु लाफ्स द लाउडेस्ट कौन सबसे ज़्यादा जोर से हंसता है हु स्पीक्स द लाउडेस्ट कौन बहुत ज़ोर से बोलता है हु स्पीक्स सॉफ्टेस्ट कौन बहुत धीमी से धीरे से बोलता है हु हैज़ लॉन्गेस्ट हेयर किसके लंबे बाल हैं को इज़ द बेस्ट को कौन अच्छा खाना पकाता है ये सारा चीज़ आपको लिखना है राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द मैंडल्स एक्सपेरिमेंट्स वॉट डिड ही ट्राई टू प्रूव इन दिस एक्सपेरिमेंट मैंडल टुक टू पी प्लांट्स ऑफ अपोजिट ट्रेट्स एंड क्रोज्ड डैम क्रोज्ड डैम ही फाउंड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ़ स्प्रिंग वेयर टोल एंड कॉल्ड इट एफ वन प्रोजीनी इट प्रूव दैट हैरिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ इच पेरेंट पासिंग एलोंग वन फैक्टर फोर एवरी एवरी ट्रेट ठीक है उसके बाद है राइट डाउन एनी टू हैबिट्स दैट ठीक है दो हैबिट्स लिखना है यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स राइट द नेम ऑफ द मेम्बर फ्राम विच यू हैव हैरीटेड दोज हैबिट्स ठीक है कुछ ऐसा है जो आपके फैमिली मेम्बर में है लेकिन आपके अंदर भी है तो वो क्या है वो आपको लिखना है ठीक है यू हैव नॉट इनहेरीटेड फ्रॉम योर फैमिली मेबर्स क्या आप अपने फैमिली मेम्बर से हेरीटेड नहीं है ऐसा क्या है जो आपके अंदर नहीं आया है कौन सा गुण ठीक है बीनड द टेक्स्ट एक्सप्लन द फॉलोइंग टर्म्स यूज़ डिक्शनरी इफ़ रिक्वाड ठीक है तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है जैसे कि है एडॉप्शन ट्विन्स हेरिडिटी ठीक है ड्रॉ योर फैमिली ट्री यहाँ पर आपको फैमिली ट्री बनाना है ठीक है तो बना लेंगे वॉट वैल्यूज़ डज द फैमिली टीचर्स तो फैमिली आपको कौन सा वैल्यूज सिखाते हैं फैमिली से आपको क्या पता चलता है तो ये आपको खुद लिखना है राइट सम ऑफ द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स अब कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो कि आपके फैमिली मेम्बर में है तो रिलेशन विद द फैमिली मेम्बर स्पेशल क्वालिटी तो आपके फैमिली मेम्बर से क्या रिलेशन है ठीक है जैसे कि अगर आपके फादर हैं तो फादर फादर सन एंड फादर का रिलेशन है ठीक है और क्या क्वालिटीज़ है उनमें तो वो लिखेंगे ठीक है make a list of disease which are there in your paternal and maternal family if there are any paternal family or maternal family ठीक है तो disease कौन सा ऐसा disease है जो कि आपके paternal family में है and maternal family दोनों में ही है ठीक है तो वो disease लिखना है आपको तो ये सब काम आपको खुद ही करना है तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है लाइक फादर लाइक डॉटर तो कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो